चंद्रयान 3 के मौके पर हम यहाँ पर लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स से उनका रिव्यू जानेंगे कि कैसा फील हो रहा है उनको, मतलब प्राइड फील हो रहा है या कोई दुखी भी हो रहा है इससे। तो आइए चलिए अंदर आइए। तो ये भैया हैं, ये अपना रिव्यू देंगे चंद्रयान 3 पर, और पीछे मोदी जी वैसे भाषण दे रहे हैं। तो भैया कैसा लग रहा है, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, पहुंच गया हमारा? बहुत खुशी की बात है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है, इसके हम सभी लोग साक्षी बने हैं। इंडिया दुनिया में पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचा है। और जैसा कि लास्ट टाइम हम फेल हो गए थे, तो फेलियर आखिरी नहीं होता और सफलता इस बार हमने प्राप्त की, तो बहुत खुशी है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। तो अब हम और भी, आपको कैसा लग रहा है आपके देश को? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों की ठीक है, एक लाइव दिखाना है, इसलिए हमने लाइब्रेरी में जैसा कि लाइव टेलीकास्ट किया, जैसे कि पूरे देश में आज लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, क्योंकि हर एक इंसान, हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाह रहा था, और उसी में थोड़ा सा हमने सहयोग किया, और बहुत सारे लोगों का समर्थन था, बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, और उसी का नतीजा है कि आज हम सफल हुए हैं। ऐतिहासिक लैंडिंग हुई है साउथ पोल पे, आज तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 3 आज चंद्र के सरफेस पर पहुंच चुका है, तो उसमें जो अच्छी फीलिंग यानी गर्व फील हो रहा है कि हमारे देश में, कि ये हमें क्या हुआ कि हमारा साउथ पोल पर ये हमारा जो चंद्रयान है वो लैंडिंग हुआ है, इससे हमें एक गर्व फील हो रहा है। हम सब भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए। और क्या है कि यहाँ इस लक्षणा लाइब्रेरी में इस चीज को लाइव दिखाया गया है, जैसा कि भारत सरकार या मतलब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कंस्ट्रक्शन दिए थे कि इसको लाइव दिखाना है, तो जैसा कि हमारी लाइब्रेरी में जो भी संस्थान है उनमें ये लाइव दिखाया गया, हमारे लिए गर्व फील होता है इसके लिए। और इतना कहना चाहूंगा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये चंद्रयान 3 जो है वो लैंडिंग किया है साउथ पोल पे। एक ऐसा फर्स्ट देश है, यानी कि फर्स्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में। और ये एक्चुअली अपना रिव्यू दे सकते हैं सभी। अगर बात करते हैं कि एक मैम है जो कि लक्षण लाइव में पढ़ती है और उनको लाइव शो दिखाया गया है, इनके बारे में बात करते हैं, प्लीज अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कुमारी मुंडे है और मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट एटा की हूँ, लेकिन फिलहाल अलीगढ़ में रह के अपनी तैयारी कर रही हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो मुझे बहुत अच्छा और फील हुआ, जिससे कि हमारे देश को भी गर्व है, हम सबको, जिससे कि हमारा फर्स्ट कंट्री ये है जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और हमें इस पे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। गर्व जैसे लाइव दिखाया गया है ना, तो आपको कैसा फील हो रहा है और कैसा है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि आज हमारा चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, तो भाई बहुत मजा आ रहा, दिल गाड़न गाड़न हो गया है। भारत माता की जय। हमारा देश पहला ऐसा देश बना जिसने साउथ पोल पे जाकर मतलब पहले लॉन्चिंग की है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत ही मतलब खुशी का माहौल है इस टाइम पे। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों से कि लाइब्रेरी में बूंदी रोटी चाहिए। मैं खासकर मुकेश भाई से प्रे करूंगा कि ये बूंदी बटवाए, ये लड्डू रखे बूंदी बटवाए। लाइब्रेरी में दिखाया गया तो हेलो चंद्रयान 3 के लिए बस एक शायरी है। सपना टूटा था, हौसला नहीं, गिरा था, मरा नहीं, ए चांद आ गया मैं फिर से अपने सपने लेकर, एक नया विक्रम, एक नया रोवर लेकर। बहुत अच्छा। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कि हमने, हमारे देश ने चंद्रयान के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ऐसा करने वाला हमारा देश पहला देश बना है। और यहाँ पे और सब देख सकते हैं आप, यहाँ पे खुशी का माहौल है चारों तरफ। आप देखते हैं हमारे भाई, ये सुरजीत भाई आप देख सकते हैं, उधर देखिए आप। आज हमारा जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2:35 पर यहाँ से उड़ान भरी थी उसने, और आज 1 महीने 9 दिन के इंतजार के बाद वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। बल्कि ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था कि साउथ पोल पर आके हमने लैंडिंग की है, और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज हमारा देश ऐसा देश बन गया है जिसने साउथ पोल पर पहली बार लैंडिंग की है। और मैं मुकेश भाई का आभार करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की हम सब इसको एक साथ देख पाए।
और इस बात की हमें बहुत खुशी है। चंद्रमा के लिए बस समय सारा और इतने बच्चे हैं, इनको सभी को खुशी है और सेलिब्रेट कर रहे हैं इतनी देर से, हमें बस मुझे इसकी खुशी है और क्या बोलूँ इसके लिए, बस थैंक यू। मैं इस लाइब्रेरी का मैंने जनवरी में ज्वाइन करा था, मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सबसे पहले यहाँ पर 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया, बट मैं यहाँ पर आया, इस दिन बारिश भी हो रही थी बट मैं इधर आ गया, यहाँ पर आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड हो गया। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इतनी खुशी हो रही है, यहाँ पर खुशी का माहौल है। थैंक यू।